कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाकर रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनने वाली रानू मंडल की बेटी एलिजाबेथ ने हाल ही में खुद की आलोचना होने पर बयान दिया और ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं अब लीजिए एलिजाबेथ ने एक और बड़ा खुलासा किया है और अपनी माँ की वीडियो बनाने और मुंबई लेकर जाने वाले अतिंद्र चक्रवर्ती और तपन दास पर उसकी माँ से मिलने नहीं देने और धमकी देने का आरोप लगाया है। रानू की बेटी ने कहा कि अतिंद्र और तपन इस तरह दिखावा कर रहे हैं कि जैसे वो मेरी माँ के सगे बेटे हों। उन्होंने और क्लब के दूसरे सदस्यों ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं अपनी माँ के पास दिखाई दी तो वो मेरी टांगे तोड़कर फिकवा देंगे। वो लोग फोन पर भी मुझे मेरी माँ से बात नहीं करने दे रहे हैं। वो मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अतिंद्र और तपन मशहूर होना चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो वो अपना काम और परिवार छोड़कर मेरी माँ के साथ मुंबई क्यों गए हैं। तपन ने सामान खरीदने के लिए मेरी माँ से पैसे दिए। 10,000 रुपए में उन्होंने मेरी माँ के लिए सिर्फ एक सूटकेस और कुछ नाइटी खरीदी है। मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं अपनी माँ को सपोर्ट करूंगी। एलिजाबेथ साथी रॉय ने आगे ये भी कहा कि मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे मेरी माँ पर नेगेटिव असर पड़े। ऐसे में वो अपने संगीत और रिकॉर्डिंग पर ध्यान नहीं लगा पाएंगी। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और मीडिया उन्हें परेशान कर रही है। मैं माँ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे साथ सूरी में रहे, लेकिन मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगी। अगर वो फैसला लेती हैं कि उन्हें मुंबई में रहना है तो मैं भी अपने बेटे के साथ उनके पास मुंबई में रहूंगी। मैं उनसे प्यार करती हूं। अब उन्हें उनकी आवाज़ की वजह से पहचान मिली है। मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूं। तो देखा आपने, रानू की बेटी एलिजाबेथ ने अतिंद्र पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें उनकी माँ से मिलने नहीं दे रहे और लगातार धमकी दे रहे हैं। बता दें कि रानू ने हाल ही में हिमेश रेशमिया के साथ फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीट के 3 गाने रिकॉर्ड कर लिए हैं और वो हाल ही में उनके रियलिटी शो में भी परफॉर्म करने पहुंची थी। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि रानू अपनी बेटी के इन बातों पर कैसे रिएक्ट करती हैं। वैसे आपका एलिजाबेथ की बातों पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।